भाई 3-4 दिन हो गए गुरु घर से रुके भाई, मेरे बैसाखी सी और जापान से ये ताइवान वीजा वास्ते रुकना पै गया थी। तो हम चलते हैं आपा अपने मिशन पर दोबारा, तो 5-10 दिन तक हम पूरे सैर करावांगा। बाकी गुरु घर वर्गी तो जगह नहीं है भाई रहने वास्ते, कितने भी जाओ वर्ल्ड से गुरु घर तो बेस्ट जगह है। बोले सो ये एंड पॉइंट है यहाँ के मेट्रो स्टेशन का, मनीला मेट्रोस, मनीला मेट्रो के नाम से फेमस है और ये एंड पॉइंट है। अब यहाँ से मनीला ख़त्म होगा। ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट है यहाँ का, जो इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस की याद में बनाया। जीपनी, जीपनी का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ जीप चलती है आजकल, जीप कंपनी दोबारा भी आ गई है। तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी कंपनी है जीपनी, मतलब यूएस के टाइम की, यूएस का यहाँ पे कब्जा होता था तो यूएस आर्मी के पास में एक जीप गाड़ी होती थी यहाँ पे, तो उसके की बनी हुई एक जीपनी गाड़ी है यहाँ पे, कि उनके बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे कि आपको वो कैसे हैं। और जीपनी यहाँ का बड़ा फेमस साधन है, जैसे हमारे यहाँ पे जुगाड़ नहीं चलता तो ये जीपनी जुगाड़ है यहाँ का, आप देख सकते हो किस तरह बनते हैं। और एक्चुअली ये जीपनी थी जो अमेरिका की आर्मी की जो डैमेज गाड़ियाँ होती हैं का एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है इसको, कि जब भी बाहर में कोई प्रोजेक्ट होता है तो इसको दिखाया जाता है। तो दिखाता हूँ, आ जाओ आपको इसका इंजन देखिए, 4-स्ट्रोक इंजन है इसका और ये इसुजी का इन्होंने वो डाला हुआ है और रियल में ये बाइक काम कर रही है इस पर। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, ये जो है एक बस के बराबर तेल पीती है। कुछ डिफरेंट भी है यहाँ पे, कलरफुल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे रंग बिरंगी हैं। जीपनी स्टैंड है भाई, जैसे अपने बस स्टैंड होता है वैसे जीपनी स्टैंड है यहाँ पे। Can I make? लंबे वाली जीपनी है तो इसमें टोटल सवारी काफ़ी आ जाती है यहाँ से लेके वहाँ तक, और वेल मेंटेन है, कितनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ, स्टील का काम किया हुआ है मोस्टली इस पर। और ये मतलब देखने में ये गेट लग रहा है, पर ये मतलब इवन ये गेट तक भी ड्राइवर से कंट्रोल होता है, ड्राइवर इसको बटन ऑन करेगा तो ऑन होएगा, ऑफ करेगा तो ऑफ होएगा। और इसकी सुंदरता आप देख सकते हो, तो ड्राइवर कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और ये गेट तो मैंने पहली जीपनी में देखा, ये वेल मेंटेन है और ऐसे ऐसे सुंदर डेकोरेटेड आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर तीसरी जीपनी आपको बड़ी है। और इनको अलॉट हुआ हुआ है ये इस जगह से और इस तक से, मतलब इनका रूट भी अलॉट हुआ हुआ है, गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दे रखी है। कैपेसिटी क्या है इसकी वो बताता हूँ, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो अलाउड है, इसमें लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ, पर मोस्टली जो जीपनी होती हैं उन पे लिखा होता है कि कितनी सीट अलाउड होती है, तो देखना पड़ेगा यार कहाँ लिखा हुआ है। पर इनका म्यूजिक बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा धाकड़ म्यूजिक रखे हैं, बिल्कुल जी साजे है क्या करें जो कर। देखिए भाई कैपेसिटी भी दिखा दी है मैंने, 33 लोगों की कैपेसिटी दे रखी है इन्होंने, मतलब ऑफिशियली इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो 33 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। तरफ मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा खोल के कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मित्सुबिशी का स्टेरिंग, हाँ भैया ये मित्सुबिशी का स्टेरिंग है और अपना जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी स्पीडोमीटर इसका 140 तक जाता है। कंपास, जैसे हीटर लगा के गाड़ी को स्टार्ट किया जाता था तो हीटर का प्रोग्राम अभी भी है इसमें, हीटर के साथ स्टार्ट होगी। और ऊपर डेकोरेशन ये देखिए, DVD प्लेयर लगा हुआ है और म्यूजिक सिस्टम, और ये पंखा लगा हुआ है इधर ड्राइवर साइड में, टैक्सीकैब पीछे का कैमरा तक भी लगाया हुआ है इसमें। ओ वाह, रियर गियर वो पीछे का दिखा रहे हैं सब, तो ओ फ्रंट कैमरा भी है और रियर कैमरा भी है, गजब है यार इन्होंने तो गजब बना रखी है यार, रियली आई सैल्यूट ब्रो। ओनर है वो बड़ा मसला हंस रहा है। तो मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ
तो पेट्रोल पंप पे मैं रेट दिखा दूँ आपको, डीजल का रेट यहाँ पे है 39 रुपये और पेट्रोल है 49.50। 49.50 का मतलब, 50 का मतलब हो गया कि 65 रुपीज़ पर लीटर, और 39 का लगभग हो गया, 39 का एक यहाँ का एक पैसो बोलते हैं यहाँ पे, तो एक पैसो इक्विवेलेंट है आपका 1.30 रुपया, इंडिया का 1.30 रुपया और यहाँ का एक पैसो बराबर है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए, पेट्रोल का मैंने बता दिया जो 50 वाला है वो 65 रुपये के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 65 रुपये लीटर है, अपने यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं तो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फ्यूचर है वो हाइब्रिड गाड़ियों का है, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाना दोस्तों। और मैं अगला पड़ाव मेरा यहाँ से ताइवान और जापान है, तो जब जापान में जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि हाइब्रिड गाड़ियाँ क्या होती हैं।